कावा मैं तेरे हजूर नानक, एह सीस चुकावा मैं तेरे हजूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। अमृत वेले विच तेरा जाप उचारा मैं, तेरे नाम दी मस्ती विच एह जीवन गुजारा मैं, इस अमृत सरोवर विच फिर चुबियां लावा मैं, जो मंत्र बख्शाए ओ दिल विच तारा मैं, तेरे नाम दी मैं पी चढ़े सरूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। इस अमृत बाणी विच फिर मन नू लावा मैं, एह बाणी पढ़ के ते विच संगत जावा मैं, सत संगत जाके ते दस सुना ते गावा मैं, तेरे तुड़ गुर सिखा दी मथे ते लावा मैं, मैनू हर थां दिसदा रहे तेरा ही नूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। गुरबाणी दी मेरे दिल विच वस जाए, एह तीर अने आलाए जो दिल विच तस जाए, कई भुलियां पटकियां नू एह रस्ता दस जाए, इस साध दी रसना विच एह बाणी रस जाए, मैं पानी तोवा बन उसदा मजदूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। रैनड़िए ओह चमकन तारे जो, एह जागन संत जना मेरे राम प्यारे जो, बिना चंद दिया रिश्मा विच तेरे करन दीदारे जो, मैनू ओना दा संग बख्शो हन तेरे सहारे जो, ओना विच वसदा है तेरा जहूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक।
तेरी हर दम विच दिल दे वसावा मैं तेरे गीत प्यारा दे हर दम ही गावा मैं टैके तेरे चरना ते फुला बख्शावा मैं हाथ बन के अर्ज करा बख्शो कसूर नानक गुरु प्यारे हो ए मंगा धन गुरु अंगद देव पादशाह जिन्हां दा गुरता गद्दी गुरगद्दी मिलन तो पहला नाम भाई लहणा जी सी उन्हां ने धन गुरु नानक देव पादशाह तो मंगिया सन कदों मंगिया सन जदों ऐसा समा आया सिखी दी प्रीख्या होई कई प्रीख्या विचों भाई लहणा जी पास होए ते गुरु प्यारियो गुरु नानक पातशाह दा भाई लहणा जी वल झुकाओ वेख्या ते संगतां ने अनुमान लाया के गुरु नानक गुरगद्दी भाई लहणा जी नूं देणगे ते जदों माता सुलखणी जी ने ए गल्लां सुनियां ते एक दिन आख्या गुरु नानक पातशाह नूं के मैं सुनिया तुसी गुरगद्दी भाई लहणे नूं देना चाहुंदे हो ए चंगी गल नहीं पुत्रा तों जस फैलदा अपने पुत्रा नूं छड के एक सेवादार नूं गद्दी देनी ठीक नहीं पातशाह चुप कर रहे ता की होया के उस समय एक बिल्ली अद्धा खादा होया चूहा मुंह विच लैके जद उथों दी लंघन लगी ता सिखा ने उस नूं डराया जिस करके बिल्ली चूहे नूं उथे सुट के भज गई अपने सामने पातशाह ने मरे चूहे नूं वेख्या अपने पुत्र श्री चंद नूं आख्या के पुत्र श्री चंद इस चूहे नूं चुक के बाहर सुट आओ श्री चंद कहिंदा के पिता जी ये कोई गल है मैं नहीं ये मरी ओही चूही चुकनी ता गुरु प्यारियो फिर पातशाह ने अपने पुत्र लक्ष्मी दास नूं आख्या बेटा इस चूही नूं बाहर सुट आ लक्ष्मी दास कहिंदा के मैं तां इहनूं हाथ नहीं लाउणा जे आखो तां होर किसे सेवादार पासों चुकवा देना तां गुरु प्यारियो उस तों उपरंत गुरु नानक पातशाह ने भाई लहणा जी वल वेख्या आख्या के हे करतार दे प्यारे तू उठ इस चूही नूं बाहर सुटिया ते भाई लहणा जी ने अजे अद्धी गल सुनी सी उसे समय चूही नूं चुकिया ते बाहर सुटिया है धन गुरु नानक पातशाह ने अपनी घरवाली सुलखणी नूं आख्या के भागवाने मन विच विचार लै अपने पुत्रां दा की हाल है ते पराए पुत्र दा की है ए अपने पुत्र कदी साडी आग्या दा पालन नहीं करदे साडी आग्या विच नहीं रहंदे ते भाई लहणा सदा साडी आग्या दा पालन करदा ए किसे दे वस दी गल नहीं जिस उत्ते करतार दी कृपा होनी है ना ये गद्दी उसे नूं प्राप्त होनी है भागवाने पानी हमेशा नीवे पासे जांदा है उच्चे डिब्बे उत्ते एक बूंद भर नहीं ठहरदा बचन सुने सुलखणी उठ के घर नूं चली गई ता गुरु प्यारे एक दिन
धन गुरु नानक देव पातशाह ने एक होर प्रीख्या लई। कौतक रचिया, एक रात जदों गुरु नानक देव पातशाह रात नू विराज रहे सन, दोवें साहबजादे आप दे पास सुते ने, ता गुरु नानक ने आख्या, पुत्र श्री चंद उठ, साडा चादरा नदी तो धो के छेती सुका के लाया। ते श्री चंद कहंदा कि पिता जी मैं थकिया होया, आराम कर रहा, ठंडे पानी नाल हथ थर जाणगे, सर्दियां दे दिन ने, दिन चढ़ेगा ता मैं सेवादार पशु धुआ देंगा। ता गुरु प्यारिओ, गुरु नानक पातशाह ने फिर अपने छोटे पुत्र लखमी दास नू आख्या, उन्हें भी उसे तरह जवाब दे दिता। ते जदों भाई लहणा जी नू आख्या कि पुरखा साड़ी चादर धो के लाया, ता भाई लहणा उस समय उठ के नदी विच चादर धोण लग्या। ते गुरु नानक दा कौतक, रात दा समय जदों चादर धोण लग्या, भाई लहणे ने वेख्या कि सूरज शिखर ते है, बड़ी तिखड़ दोपहर लगी हुई है। गुरु नानक दी शक्ति सी, भाई लहणा जी चादरा धो के सुका के पातशाह दे चरणा च लै आए, ते गुरु नानक पातशाह ने थापड़ा दिता, बड़ी प्रशंसा कीती। एक दिन की होया कि गुरु नानक पातशाह ने एक होर प्रीख्या लई, अपना एक कटोरा बहुत डूंगे टोए विच चिकड़ दे विच सुट दिता। श्री चंद नू आख्या, बेटा कटोरा कढ, कटोरा कढ के धो के साडे पास ले आ। श्री चंद कहिंदा, इस टोए विच बड़ा गंद है, मेरे कपड़े गंदे हो जाणगे, किसे सिख नू आख के कढ़ा लो। लखमी दास नू आख्या, बई तू कढ ले आ। ते लखमी दास कहिंदा, जेड़े माड़े काम ने, गंदे काम ने, वह तुसी सानू आख देने हो, सारे सिख सेवकां विच साडा निरादर कर दे हो, मैं नहीं कढ सकदा। ता गुरु प्यारे, गुरु नानक पातशाह ने भाई लहणे नू आख्या कि चिकड़ विचों कटोरा कढ के धो मांज के लै आ। ता भाई लहणा जी ने उस समय उस टोए विच चिकड़ विच छाल मार दिती, कटोरा कढ लिया, धो मांज के गुरु नानक पातशाह दे चरणा च रख दिता। भाई लहणा जी दे सारे कपड़े शरीर चिकड़ नाल भर गया, सारे हैरान ने। ते गुरु प्यारिओ, भाई लहणा जी नू सारे धन धन आख रहे ने। पातशाह ने प्रसन्न होके लहणा जी नू थापड़ा दिता है, ते आख्या कि पुरखा मंग लै, की मंगना है। ते भाई लहणा जी ने गुरु प्यारिओ प्रीख्या चो पास होया, ते यही मंगा मंगिया कि सतगुरु तुसी ऐसी कृपा करो, मैं हमेशा तुहाडे दर्शन करदा रवां, मैं जिधर वेखा मैनू तुहाडे दर्शन होण, ए मेरा सीस सारी जिंदगी तुहाडे चरणा ते झुकदा रवे। ते पातशाह, ए मेरी जिंदगी दा ऐसा दस्तूर बन जाए, एह सीस झुकावां मैं तेरे हजूर नानक, एह सीस झुकावां मैं तेरे हजूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी।
ਉਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਸਰੂਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ ਇਹ ਤੀਰ ਅਣਿਆ ਲਾਏ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਜਾਏ ਕਈ ਭੁੱਲਿਆਂ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਜਾਏ ਇਸ ਸਾਧ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਸ ਜਾਏ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਟੋਵਾ ਬਣ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਖ ਸੋਗ ਰਾਗ ਦਵੈਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪਣ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਰਖਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ ਸੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ
वकारी मनुख तैनू मिलणगे। ए तैनू ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होया, ए गल किसे नू नहीं दसनी। प्रेम भगत ज्ञान दा उपदेश करना, जिस नाल बाहर मुखी शुभ कर्मा विच लगन लगी रहिंदी है। ते गुरु प्यारेओ, धन गुरु नानक दे पातशाह ने भाई लहणा जी उत्ते ऐसी बख्शिश कर दिती, ऐसी रहमत कर दिती, जेड़ियां भाई लहणा जी ने मंगा मंगियां ओ बख्श दितियां। ते आओ आपां भी गुरु नानक तो ऐसियां मंगा मंगिए, ऐसियां अरदासां करिए, जिस तरह भाई लहणा जी धन गुरु अंगद दे पातशाह गुरु नानक दे चरणा च अरदास करके ए मंगा मंग रहे ने। एह सीस चुकावां मैं तेरे हजूर नानक, एह सीस चुकावां मैं तेरे हजूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। तेरे कोलों लै सिखिया एह जीवन बनावा मैं, तस्वीर तेरी हर दम विच दिल दे वसावा मैं, तेरे गीत प्यारा दे हर दम ही गावा मैं, तैके तेरे चरना ते फुला बख्शावा मैं, हथ बन के अर्ज करा बख्शो कसूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। ते गुरु प्यारे हो, धन गुरु नानक देव पातशाह ने भाई लहणा जी नू आख्या कि भाई लहणा तू इउं कर, हुण साडे शरीर त्यागण दा समा नेड़े है, अपने घर खंडूर साहब चले जाओ। ते गुरु प्यारेओ, धन गुरु अंगद दे पातशाह कहिंदे, पातशाह तुहाडा हुक्म मेरे सिर मत्थे है, पर आप जी दे अंत समय मैनू इत्थे आउण दी आग्या है कि नहीं। तां गुरु नानक पातशाह कहिंदे, भाई लहणा तुसीं इत्थे ना आउणा, असीं तुहानू आप ही आके मिल लवांगे। ए बचन सुने भाई लहणा जी ना जाना चाहते हुए भी आग्या का पालन करके खंडूर साहब आ गए। ते गुरु नानक दे चरणा विच ध्यान धर के घर ही बैठे, ते की होया, धन गुरु नानक दे पातशाह दे दरबार दे अगे एक बहुत वड्डा पिपल हुंदा सी, ते गुरु नानक पातशाह उस दी छां हेठा बैठे सन। जदों आपने एक सांग तारिया सी ना पागलां वाला, सिखी दी प्रीख्या लई सी, उस समय जेड़े सिख भज गए सन उन्होंने ये समझ के ये सांग गुरु जी ने साडे परखण वास्ते तारे सन, पछता रहे ने, पातशाह दे चरणा च आके माफी मंगी, फिर सेवा विच जुट गए। ते गुरु प्यारे ओ, सारा कार विहार पहला वांगू चलन लग पिया, संगतां दी आवाजाई पातशाह दे पास,
फिर भीड़ा होन लगियां, लंगर वर्तन लग पे है। पातशाह जी दी महिमा मुसलमाना विच भी बहुत वध गई। दूर दूर देशां तों संगतां आउंदियां दर्शन करके, उपदेश सुन के शरदा नाल गुरु जी नूं सीस नवाउंदियां। ते गुरु प्यारिओ, सारियां संगतां धन गुरु नानक देव पातशाह तों भाई लहणा जी दी प्रीख्या वेख के, उहनां तों सिख्या लै के यही मंगा मंगदियां। जिस तरह भाई लहणा जी ने भाव के धन गुरु अंगद देव पातशाह ने मंगा मंगियां सन, यही मंगा कि सतगुरु ऐसी कृपा कर तेरे सेवकां दा मिलाप होवे, अमृत वेला बख्श, बाणी दा सिमरन बख्श। ते गुरु प्यारे सतगुरु सारिआं दीआं मंगां प्रवान करके सारिआं नूं इह बख्शिशां करदे रहिंदे। जे आपां वी धन गुरु नानक पातशाह तों इह मंगां मंग लईए तां पातशाह आपां नूं वी इह बख्शिशां कर देणगे। इह सीस झुकावां मैं तेरे हजूर नानक, इह सीस झुकावां मैं तेरे हजूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। अमृत बाणी विच फिर मन नू लावा मैं, एह बाणी पढ़ के ते विच संगत जावा मैं, सत संगत जाके ते जस सुना ते गावा मैं, फिर गुड़ गुड़ सिखा दी मथे ते लावा मैं, मैनू हर थां दिसदा रहे तेरा ही नूर नानक, बन